अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आज स्पिलवे टॉप पे आ गया हूँ। मोहम्मद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्पिलवे के टॉप पे आ गया हूँ। ठीक है, ये मैं आपको स्पिलवे का एरिया दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कटिंग बेंच वगैरह इन्होंने बनाए हुए हैं। ये जो शूट का एरिया है, उगी कहते हैं इसको वैसे, और ये यहाँ से पानी जो है वो शूट करता हुआ नीचे जाएगा, वो सामने दरिया में मिल जाएगा। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं कटिंग बेंच वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, काम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। यहाँ पे MAN के ट्रक्स हैं, जर्मन मेड, जो यहाँ पे 50 की तादाद में है, और जो यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं। इस दिन रात जो है इस पर ज़ोरों शोर से काम जारी है प्रोजेक्ट के ऊपर। यहाँ पे पास इसी जगह पे जो है वो गेट बनेंगे स्पिलवे। ये जो आपको कंटेनर नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे दरिया है। ठीक है, दरिया यहाँ से होता हुआ यूँ टर्न करके ये नीचे आपको दरिया नज़र आ रहा है। मैं ज़रा करीब जाके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये कटिंग बेंच इन्होंने बनाए हुए हैं, जो इसकी जो दीवारें हैं उसको मज़ीद पुख्ता करने के लिए यहाँ पे कंक्रीट की हुई है। इसके अंदर ड्रिल करके इन्होंने बड़े बड़े मेटालिक रॉड डाले हुए हैं, ताकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो मज़बूत रहे दीवारों की। आप देख सकते हैं ये एक खूबसूरत व्यू भी है, और ये नीचे दरिया। जैसे ही ये पीछे से गेट खुलेंगे, पानी शूट से होता हुआ नीचे सीधा दरिया में मिल जाएगा, और यहाँ नीचे करके पावर हाउस बनेगा, जहाँ पे वो सामने कटिंग बेंच बने हुए, जहाँ पे चाइनीज़ कंपनी CGGC काम कर रही है। पावर हाउस का काम जो है वो चाइनीज़ कंपनी के पास है। व्यूवर्स, मैं आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स करता रहूँगा। जी, हम इस वक्त स्पिलवे टॉप पे खड़े हैं। ये यहाँ पे स्पिलवे के गेट बनेंगे जहाँ पे हम खड़े हैं, और यहाँ से जैसे गेट खुलेंगे तो पानी जो है वो सीधा नीचे दरिया में मिल जाया करेगा। आप देख सकते हैं कि साइडों पे इन्होंने स्टेप कटिंग की हुई है, मींस के साइडों पे स्पिलवे की दीवारें हैं, और उसके ऊपर कंक्रीट की हुई है, ताकि पानी इस पहाड़ों को ख़राब ना कर सके, और यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग वगैरह ना, और ये इसकी जो बैंक्स है ये टूटे ना। तो इसके लिए उन्होंने बेंच कटिंग की हुई है, और यहाँ से नीचे सीध में बिल्कुल नीचे दरिया है, और इस दरिया के साथ जो है वो पानी फिर मिल जाया करेगा जब ओवरफ्लो होगा, जब गेट खुलेंगे स्पिलवे के। और इस साइड पे ये जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है, इसके साथ ही नीचे स्पिलवे का जो दीवार है वो यहाँ पे बनेगी स्पिलवे की। जी व्यूवर्स, कुछ टाइम पहले मैं आपको टॉप से ये वाला एरिया दिखा रहा था, मैं वो सामने वाली पोजीशन पे खड़ा था टॉप पे, और अब मैं वहाँ से नीचे आ गया हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वही सेम दरिया, और ये स्पिलवे का एरिया। यहाँ से पानी, जैसे ही स्पिलवे के गेट खुलेंगे तो पानी यहाँ से नीचे जाएगा, और दरिया के साथ मिलके फिर आगे निकल जाया करेगा। आप देख सकते हैं कि साइडों पे इन्होंने कंक्रीट ये कर रहे हैं, ताकि किसी भी किस्म की लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा ना हो, और जो पानी यहाँ से फ्लो से गुजरेगा वो इन दीवारों को ख़राब ना कर सके। बेसिकली ये पहाड़ है जिसको इन्होंने काटा हुआ है, और पहाड़ को काट के उसके बाद इन्होंने इसके ऊपर ये स्टेप कटिंग की है। स्टेप कटिंग के बाद इन कटिंग को मज़ीद पुख्ता बनाने के लिए और इसको स्ट्रेंथ देने के लिए इन्होंने इसके ऊपर कंक्रीट स्प्रे किया हुआ है, और वो कंक्रीट शॉर्टक्रीट एक मशीन है, जो कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। तो ये आप देख सकते हैं प्रॉपर, इस वक्त ज़ोरों शोर से यहाँ पे काम शुरू है स्पिलवे पे। इन्होंने इस दरिया को भी काफ़ी खुला करना है, इसके मुतालिक भी मैं आपको फर्दर डिटेल्स बता दूंगा इसमें। वीडियो के राइट साइड पे यहाँ पे ब्लू कलर की ये शेड बने हुए, यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी काम कर रही है, CGGC जिसका नाम है। तो दरिया के राइट साइड पे चाइनीज़ कंपनी का प्रोजेक्ट है, और लेफ्ट साइड पे डेस्कॉन का है। चाइनीज़ कंपनी के पास तकरीबन 70% है प्रोजेक्ट का, और 30% जो है वो डेस्कॉन उस पर काम कर रही है।
स्पिलवे का एरिया ये तो यहाँ पे सारी आप देख रहे हैं रोड वगैरह बन रही है और एक्सकेवेटर जो है वो डोजर और एक्सकेवेटर जो है वो अपना मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं पहाड़ों में से। सब ने ग्रीन कलर का ब्रश कंक्रीट प्लांट है जो कि स्पिलवे कंक्रीट प्रोवाइड कर रही है।
कंक्रीट प्लांट है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो सामने वाकया कॉलोनी है, जो कॉलोनी का एरिया है वो सामने आपको वो कुछ घर बने हुए नज़र आएंगे। आपको जूम कर दे तो ये कॉलोनी का एरिया और स्पिलवे इस प्लांट के पीछे बने हुए। जी तो हम आपको इस वक्त एक डाइवर्जन टनल की इनलेट की तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ से पानी को डाइवर्ट किया जाएगा और एक दूसरी पोजीशन पे उसको एग्जिट किया जाएगा ताकि वहाँ के जो इलाके हैं उन तक पानी पहुँच सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने स्टेप कटिंग की हुई है। जी हम टनल की इनलेट की तरफ पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि एक शॉर्टक्रीट की मशीन के जरिए इन्होंने यहाँ पे कंक्रीट की हुई दीवारों के ऊपर ताकि किसी भी किस्म की लैंडस्लाइडिंग का खतरा जो है वो टल सके। आप देख सकते हैं ऊपर से टॉप से लेके नीचे तक इन्होंने सारी कंक्रीट से ही इन्होंने दीवार बनाई हुई है। जी तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है यहाँ पे इस पहाड़ को जो है वो एक शॉर्ट क्रीट मशीन जो कि कंक्रीट को कंक्रीट की स्प्रे करती है उसके ज़रिए उसको पक्का कर रहे हैं ताकि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग ना हो सके इस पहाड़ के ऊपर। ये एक ऑटोमेटिक आर्म के साथ ये एक मशीन है, देख सकते हैं कितनी महारत के साथ जो है ये इस पर काम हो रहा है। जी व्यूवर्स, कुछ टाइम पहले मैं आपको टॉप से ये वाला एरिया दिखा रहा था, मैं वो सामने वाली पोजीशन पे खड़ा था टॉप पे और अब मैं वहाँ से नीचे आ गया हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वही सेम दरिया और ये स्पिलवे का एरिया, यहाँ से पानी जैसे ही स्पिलवे के गेट खुलेंगे तो पानी यहाँ से नीचे जाएगा और दरिया में दरिया के साथ मिल के फिर आगे निकल जाया करेगा। आप देख सकते हैं कि साइडों पर इन्होंने कंक्रीट ये कर रहे हैं ताकि किसी भी किस्म की लैंडस्लाइडिंग का खतरा ना हो और जो पानी यहाँ से फ्लो से गुजरेगा वो इन दीवारों को ख़राब ना कर सके। बेसिकली ये पहाड़ है जिसको इन्होंने काटा हुआ है और पहाड़ को काट के उसके बाद इन्होंने इसके ऊपर ये स्टेप कटिंग की है। स्टेप कटिंग के बाद इन कटिंग को मज़ीद पुख्ता बनाने के लिए और इसको स्ट्रेंथ देने के लिए इन्होंने इसके ऊपर कंक्रीट स्प्रे किया हुआ है और वो कंक्रीट शॉर्टक्रीट एक मशीन है जो कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। तो ये आप देख सकते हैं प्रॉपर इस वक्त ज़ोरों शोर से यहाँ पे काम शुरू है स्पिलवे पे। इन्होंने इस दरिया को भी काफ़ी खुला करना है, इसके मुतालिक भी मैं आपको फर्दर डिटेल्स बता दूंगा इसमें। वीडियो के राइट साइड पे जहाँ पे ब्लू कलर की ये शेड बने हुए, यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी काम कर रही है, CGGC जिसका नाम है,
तो दरिया के राइट साइड पे चाइनीज़ कंपनी का प्रोजेक्ट है और लेफ्ट साइड पे डेस्कॉन का है। चाइनीज़ कंपनी के पास तकरीबन 70% है प्रोजेक्ट का और 30% जो है वो डेस्कॉन उस पर काम कर रही है।